बचपन में हम सबने टार्जन की कहानी सुनी होगी, उसी पर आधारित आज की ये मूवी है। जाहिर है कई लोगों ने मूवी जरूर देखी होगी, लेकिन इस मूवी के विजुअल्स के लिए तो इसको एक और बार देखना बनता ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 2016 में रिलीज हुई मूवी द लेजेंड ऑफ टार्जन देखते हैं। सो वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी? अगर आप चैनल पर नए हैं, पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है और बैकग्राउंड वॉइस ओवर में ये कहा जाता है कि बेल्जियम का एक राजा जो अपनी सेना को तनख्वाह नहीं दे पा रहा था, उसने अपने एक आदमी को अफ्रीकन कांगो नाम की जगह पर भेजा क्योंकि उसे पता चला था कि वहां पर डायमंड्स पाए जाते हैं। राजा को लगा कि अगर वो डायमंड्स को पा लेगा तो उसकी समस्या सुलझ जाएगी। और हां, राजा के उस आदमी का नाम था लियोन। वो अपने आदमियों को लेकर कांगो पहुंच तो जाता है, लेकिन वहाँ डायमंड्स निकालना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर एक पुराना कबीला डायमंड्स की रक्षा करता है। इन्हें देखते ही कबीले के लोग इन पर भालों की बरसात करने लग जाते हैं। जवाब में ये लोग भी उन पर शूट करते हैं और कबीले के कई आदमी मारे जाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ और भी बड़ी तादाद में कबीले के लोग वेपन्स के साथ खड़े दिखते हैं। वो फिर इन पर हमला करके सभी को मार डालते हैं, सिर्फ लियोन जिंदा बच जाता है। एक आदमी लियोन को खत्म करने के लिए उनके पास आता है, लेकिन लियोन अपने माला उसके गले में फंसा कर उसे गिरा देता है। और तब उस कबीले का सरदार वहां जाता है, उसके हाथ में कुछ डायमंड्स होते हैं। वो कहता है कि मुझे पता है तुम इन डायमंड्स के लिए यहां पर आए हो, मैं तुम्हें इस प्रदेश के सारे डायमंड्स लाकर दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें टार्जन को पकड़कर मेरे पास लाना होगा, मैंने सुना है वो लंदन में है। फिर लियोन भी ये शर्त मान जाता है। यहाँ कट करके टार्जन को दिखाते हैं जो कि लंदन में बस गया है, लेकिन पहले ये देखते हैं कि टार्जन जंगल में कैसे गया और फिर वहां से वापस लंदन कैसे आया। एक्चुअली कई साल पहले टार्जन के पेरेंट्स शिप से कहीं जा रहे थे तो तूफान में उनकी शिप फंस गई और वे बचकर एक जंगल में चले गए। हाँ, उस जंगल से निकल कर जाना उतना आसान नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ दिन जंगल में ही गुजारना सही समझा। लेकिन अब पता है जंगल है तो जंगल में जंगली जानवरों, बारिश, तूफान, इन सारी चीजों का खतरा हमेशा रहता है। ऐसे में टार्जन के पेरेंट्स कई मुसीबतों का सामना करके जंगल में सर्वाइव करने लगे थे और तब हुआ टार्जन का जन्म। लेकिन जंगल में टार्जन की माँ ठीक से देखभाल नहीं कर पाई और वो बीमार पड़ गई और बेचारी कुछ ही दिनों में चल बसी। उसे दफनाकर जब टार्जन का पिता लौट रहा था तो कुछ गोरिल्लास की नजर उस पर पड़ी। गोरिल्लास को ह्यूमन से चिढ़ होती है क्योंकि वो जंगल में आकर अंधाधुंध शिकार करते रहते ना, इसीलिए उन्होंने टार्जन के पिता पर हमला करके उसे भी मार डाला। और तभी एक फीमेल गोरिल्ला इनके घर के अंदर आई। दरअसल इनका घर पेड़ों के बीचों बीच लकड़ियों से बनाया गया था। वहाँ एक छोटे बच्चे को यानी टार्जन को देखकर उस गोरिल्ला ने, जो खुद एक माँ थी, उसने टार्जन को उठा लिया और उसे पालने का फैसला किया। उसका पति जो इस गोरिल्ला ग्रुप का सरदार था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है, उसने टार्जन की सुरक्षा करने का पूरा फैसला कर लिया था। 5 साल के बाद दिखाते हैं कि टार्जन अब काफी बड़ा हो चुका है। वो अपने पुराने घर को देखने जाता है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी होता है। तब उसकी माँ यानी कि वो गोरिल्ला उसे हिम्मत देती है, पर एक गोरिल्ला था जो किसी तरह टार्जन को बस मार डालना चाहता था, लेकिन बाकी गोरिल्लास ने तो टार्जन को बचा ही लिया। वक्त बीता गया और अब टार्जन गोरिल्ला को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर चुका था। उस फीमेल गोरिल्ला का एक बेटा भी था जिसने टार्जन को अपना भाई मान लिया। टार्जन जंगल में बड़ा होने लगा, लेकिन बाकी जानवर तो उसे अपने से अलग मानते थे। उन्हें लगता था कि टार्जन को यहाँ से चले जाना चाहिए, उसका यहाँ रहना जंगल के लिए अच्छा नहीं है, ये सभी सोच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगे कि टार्जन दूसरे इंसानों की तरह नहीं है। जंगल में रहने की वजह से वो इस जंगल के और दूसरे जानवरों की जरूरतों को समझता है, उनकी सुरक्षा चाहता है। ये जानने के बाद टार्जन को वो मारने की कोशिश नहीं करते। इसी बीच मूवी की हीरोइन जेन उस जंगल में आती है क्योंकि वो वहाँ के एक कबीले पर रिसर्च कर रही है। टार्जन उसको देखकर छुप जाता है, लेकिन वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम इंसान हो, बाहर आ जाओ। टार्जन बाहर आकर उसे सूंघता है क्योंकि जानवर स्मेल के जरिए अपने और परायों के बीच अंतर जान पाते हैं ना, इसीलिए। तब एक गोरिल्ला, जिसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, वो जेन पर हमला कर देता है, लेकिन टार्जन उसको बचा लेता है। पर गोरिल्ला टार्जन को खूब मारता है और टार्जन पूरी तरह घायल हो जाता है। अब टार्जन की जान बचाने के लिए जेन उसे शहर लेकर आती है और वहीं उसका इलाज भी होता है। जब टार्जन ठीक हो जाता है तो वो जेन के साथ शहर में बस जाता है, जहाँ टार्जन को वो अपनी भाषा भी सिखाती है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। अब जंगल से आने के 8 साल के बाद दिखाते हैं कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर टार्जन के साथ एक मीटिंग करता है। वो बताता है कि बेल्जियम के राजा ने तुम्हें अफ्रीकन कांगो के उस कबीले पर रिसर्च करने के लिए बुलाया है और ये न्योता भी भेजा है, लेकिन टार्जन साफ मना कर देता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, कहकर वो बाहर आ जाता है। तब उसे जॉर्ज नाम का एक आदमी रोककर कहता है कि बेल्जियम का राजा जरूर कुछ गलत कर रहा है, लगभग 7 साल से कांगो बेसिन उसके हाथ में है, पर न जाने उसका राज कैसे चल रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है पता नहीं, यहाँ तक कि उसने रेलवे का रास्ता भी रोक के रखा हुआ है। हमें शक है कि वो कबीले के लोगों से गुलामी करवा रहा है। अगर तुम ये न्योता स्वीकार करके वहाँ गए तो
सच का पता चल सकता है और हम कबीले वालों की कुछ मदद कर पाएंगे। तुम उस जगह के बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए मेरी तुमसे विनती है कि तुम वहां पर जाओ। अब ये सब कुछ सुनकर टार्जन का इरादा बदल जाता है और वो अफ्रीका कांगो जाने का फैसला करता है। लेकिन जेन कहती है, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। टार्जन उसे समझाता है कि वहां तुम्हें बहुत खतरों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जेन जिद करती है कि जाएंगे तो दोनों साथ में, वरना तुम्हें भी मैं जाने नहीं दूंगी। अब टार्जन जेन को साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टार्जन और जेन अफ्रीका पहुंच जाते हैं और वहां के शहर और दूसरे जानवर बड़े प्यार से टार्जन से मिलते हैं, क्योंकि वो बचपन से टार्जन के साथ रह चुके हैं ना इसलिए। दूसरी ओर लियोन को दिखाते हैं जो टार्जन की तलाश में निकल चुका है। यहां पर अफ्रीकन हाथी के दांतों का इलीगल बिजनेस भी चल रहा है। लियोन को पता चल चुका है कि टार्जन कांगो जा रहा है। वो एक फाइनेंसर से मिलता है और कहता है, मुझे एक बड़ी आर्मी की जरूरत है। बदले में वो उसे एक डायमंड देता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए सेना का इंतजाम करवाया तो मैं और भी डायमंड्स लेकर दूंगा। यहाँ टार्जन और जेन उस कबीले के गांव में पहुंच जाते हैं। टार्जन और जेन को देखकर कबीले के लोग बड़े खुश होते हैं। दरअसल जेन के पिता ने इन लोगों को अंग्रेजी सिखाई थी, इसलिए वे बड़े प्यार से जेन का स्वागत करते हैं। वहां पर एक आदमी भी होता है जो जेन का बचपन का दोस्त था। वो कहता है कि तुम इसी घर में कई साल रही, इसलिए तुम दोनों इस घर में रह सकते हो। उसी रात नाच गाना सब चलता है। तब कबीले का सरदार टार्जन को बताता है कि हमने सुना है राजा कुछ कबीले के लोगों को पकड़कर लेकर जाता है और उनसे गुलामी करवाता है। कुछ लोगों को तो वो किसी और को बेच देता है, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा का दोगुना इंतजाम करके रखा हुआ है। और उसी रात जब सभी सो रहे होते हैं तो लियोन अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है। वो सरदार से कहता है कि मेरे आगे घुटने टेको। लेकिन सरदार कहां किसी के आगे घुटने टेकेगा, वो नहीं झुकता और डटकर खड़ा रहता है। गुस्से में लियोन उसे शूट ही कर देता है। अब आवाज को सुनकर टार्जन वहां आता है, लेकिन लियोन उसे और जेन को पकड़ लेता है और फिर उसके आदमी कबीले के कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। पर आने वक्त पर जॉर्ज वहां पहुंच जाता है। वो लियोन और उसके आदमियों के साथ लड़ता है और कबीले के कुछ लोगों को बचा भी लेता है। अब टार्जन एक जगह गिर जाता है। लियोन दूसरे लोगों को बोट में चढ़ाकर वहां से जल्दी निकल जाता है। वो जेन को धमकाता है कि जब टार्जन तुम्हें बचाने आएगा तब मैं उसको पकड़ लूंगा। अगले दिन कबीले के कुछ लोग बच गए थे। वो बहुत उदास होते हैं क्योंकि न सिर्फ उनका सरदार मर चुका है बल्कि उनके साथियों को लियोन बंदी बनाकर ले जा चुका है। अब टार्जन अपना प्लान उन्हें समझाता है कि लियोन जरूर उन्हें इस ट्रेन के रास्ते से लेकर जाएगा, लेकिन उससे पहले हम वहां पहुंच जाएंगे और जेन और दूसरे कबीले वालों को बचा लेंगे। जॉर्ज भी उनके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन टार्जन कहता है तुम हमारी तरह तेज नहीं भाग सकते, इसलिए तुम नहीं जाओगे। लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। सब बहुत तेज भागते हैं लेकिन जॉर्ज भाग नहीं पाता। जैसे तैसे वो एक ऊंची चट्टान पर पहुंच जाते हैं जहां से फिर उनको ट्रेन को पकड़ना है। जॉर्ज कहता है कि ट्रेन 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है भाई, उसे पकड़ोगे कैसे। टार्जन कहता है कि हवा में उड़कर पकड़ेंगे। ये कहकर वो सभी नीचे जंगल में कूद पड़ते हैं और कोई रास्ता न पाकर जॉर्ज भी कूद पड़ता है। वहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनके ऊपर ये लोग भागने लग जाते हैं। इन पेड़ों की टहनियों से लटकते हुए जड़ों को पकड़कर वे आराम से आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन बेचारा जॉर्ज एक टहनी को पकड़ता है और फिसल कर गिर जाता है। आखिर में फिर टार्जन कह देता है कि मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें आराम से लेकर चला जाऊंगा। जॉर्ज टार्जन की पीठ पर चिपक जाता है और एक जड़ को पकड़कर टार्जन उसको लेकर ट्रेन की ओर उड़ पड़ता है। ये दृश्य यार सच में मस्त, मतलब देखने लायक होता है, मजा आ जाता है। वो ट्रेन के ऊपर लैंड करते हैं तो पता चलता है कि कबीले के लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं और उन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जा रहा है। ये सब कुछ देखकर टार्जन को बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे कंपार्टमेंट में घुसता है जहां पर कुछ सोल्जर्स होते हैं। टार्जन अकेला ही सबको मार गिराता है। ट्रेन में एक इंजीनियर भी होता है जो बताता है ये लोग यहाँ एक रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं, उसी के काम के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। अगर ये रेलवे ट्रैक बन गया तो यहाँ के डायमंड्स और दूसरे मिनरल्स का लगभग सारा सफाया हो जाएगा। इन चीजों को यहाँ से ले जाने के लिए ही ये ट्रैक बनाया जा रहा है और ये सब कुछ राजा का ही काम है। यहाँ जेन और उसके दोस्त को लियोन ने बंदी बनाकर रखा होता है। वो जेन की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसे अपने साथ डिनर के लिए बुलाता है और कहता है अगर तुम नहीं मारी तो तुम्हारे बचपन के दोस्त को मार डालूंगा। ना चाहते हुए भी जेन उसके साथ डिनर करने लग जाती है। वो बताता है कि बस कुछ दिनों में हम यहाँ सारे नेचुरल रिसोर्सेज का सफाया कर देंगे। और रही बात टार्जन की, उसे तो मैं कबीले के सरदार को सौंप दूंगा। उसने वादा किया था कि टार्जन के बदले में वो मुझे उस प्रदेश के सारे डायमंड्स निकाल कर देगा। तब जेन बताती है कि वो सरदार इसलिए टार्जन की जान के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि टार्जन ने उसके बेटे को मार डाला और मुझे यकीन है कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए टार्जन तुम्हें भी मार डालेगा। यहाँ टार्जन कबीले के लोगों को आजाद करवा चुका होता है। फिर वो जेन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कई जानवर ऑस्ट्रिच वगैरह इनके बहुत करीब से निकलते हैं। जॉर्ज कहता है कि क्यों ना हम एक ऑस्ट्रिच पर बैठकर आराम से आगे बढ़े। टार्जन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो ये आइडिया मन से निकाल लो। फिर दोनों जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक गोरिल्ला ग्रुप इन पर हमला करने को तैयार होता है। जॉर्ज तो उन्हें शूट करने ही जाता है, तभी टार्जन कहता है अगर तुमने एक को शूट किया तो बाकी गोरिल्लास तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, याद रखना, इनके सरदार से मैं लड़ूंगा। कहकर वो सरदार से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ये गोरिल्ला और कोई नहीं टार्जन का भाई है, यानी उसी गोरिल्ला माँ का बेटा जिसने टार्जन को पाला था। दोनों की लड़ाई होती है। जाहिर है गोरिल्ला टार्जन से ज्यादा ताकतवर होता है और टार्जन को मार भी गिराता है। फिर वो अपनी जीत का ऐलान करते हुए टार्जन की पीठ पर काट देता है। अब जैसे गोरिल्ला जॉर्ज की ओर बढ़ता
है तो टार्जन कहता है उसके आगे घुटने टेक दो वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जॉर्ज वैसा ही करता है तो गोरिल्लाज वहां से चले जाते हैं। अब टार्जन के घाव को सीलने के लिए वो बड़ी चींटियों को घाव पर छोड़ देते हैं और जब वो काटती हैं तो उनके सर को काट दिया जाता है जिससे कि घाव पर सिलाई हो जाती है। उसी रात वहां पर कई हाथी भी आ जाते हैं लेकिन ये सब टार्जन के बचपन के साथी हैं। वे टार्जन से बड़े प्यार से मिलते हैं। यहां बोट में जेन को चेन से बांध कर रखा होता है और उसके दोस्त को पिंजरे में। जेन और उसका दोस्त कबीले की भाषा में बात करने लगते हैं तो गुस्से में लियोन का आदमी जेन के दोस्त का पिंजरा पानी में गिरा देता है लेकिन तभी जेन उस पिंजरे की चाबी छीनकर पानी में कूद पड़ती है और जब वो पिंजरे को बाहर निकालते हैं तो पता चलता है कि जेन अपने दोस्त को बचाकर ले जा चुकी है। वो अपने दोस्त को लेकर किनारे पहुंच जाती है तो वहां पर देखते हैं कई हिप्पोपोटेमस होते हैं जो इन पर हमला करने लग जाते हैं। उनसे बचकर दोनों जंगल के अंदर भागते हैं। जेन कहती है कि तुम जाकर अपने आदमी को लेकर आओ जल्दी कहकर वो जंगल के अंदर भागने लग जाती है लेकिन उसके सामने एक और गोरिल्ला ग्रुप आ जाता है। जेन जानती है कि इनके सामने घुटने टेक दिए तो गोरिल्लास कुछ नहीं करेंगे। वो चुपचाप घुटने टेक देती है लेकिन तभी लियोन अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो जेन को धमकाता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं सभी गोरिल्लास को शूट करवा दूंगा। इसलिए वो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है लेकिन लियोन के आदमी गोरिल्लास पर अंधाधुंध शूट करने लग जाते हैं। जेन चिल्लाती है कि प्लीज उन्हें शूट मत करो लेकिन कहा वो नहीं मानता। फिर गोरिल्लास भी लियोन के आदमियों को पीटने लग जाते हैं। ये आवाजें टार्जन को सुनाई देती हैं और वो तुरंत जंगल के अंदर पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि लियोन के आदमी टार्जन के भाई यानी उस गोरिल्ला को कुछ करते टार्जन उसे बचा लेता है। फिर दोनों मिलकर लियोन के आदमियों को पीट देते हैं लेकिन इसी बीच लियोन जेन को लेकर जा चुका होता है। लियोन जेन को लेकर उस कबीले के सरदार से मिलने जाता है जिसने उसे डायमंड्स देने का वादा किया था और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये सरदार टार्जन के पीछे आखिर पड़ा हुआ है क्यों। दरअसल सरदार का बेटा एक दिन शिकार कर रहा था और उसने टार्जन की माँ यानी उस गोरिल्ला का शिकार कर दिया। गुस्से में टार्जन ने सरदार के बेटे को मार डाला और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि टार्जन भी सरदार के पास पहुंच चुका है। कबीले के लोग उससे लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। टार्जन उन सभी को मार गिराता है और आखिर में सरदार से उसकी लड़ाई होती है। टार्जन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों का असली दुश्मन लियोन है जो अपने राजा के साथ मिलकर इस प्रदेश के प्राकृतिक संपदा को मिटाने में तुला हुआ है पर सरदार उसकी एक नहीं सुनता। आखिर में टार्जन उसके गले पे चाकू दबा देता है और कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरी माँ को मार डाला इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को मारा। सरदार कहता है कि वो छोटा लड़का था उसे क्या पता था कि वो तुम्हारी माँ है। तो इस पर टार्जन कहता है कि उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सोचा गलती मेरी ही थी इसके लिए मुझे माफ कर दो लेकिन फिलहाल हमें मिलकर लियोन का मुकाबला करना है। तब जॉर्ज वहां पर आता है और सरदार को समझाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लियोन तुमसे डायमंड्स लेकर चला जाएगा क्या। नहीं वो सैनिकों को यहां ले आएगा सिर्फ डायमंड्स ही नहीं बल्कि यहां की पूरी प्राकृतिक संपदा खाली करवा देगा। यही नहीं हाथी के दांतों का इलीगल बिजनेस भी करेगा और तुम्हारे कबीले के लोगों को बंदी बनाकर लेकर जाएगा और उनसे गुलामी करवाएगा। क्या यही चाहते हो तुम। सरदार उसकी बात समझ जाता है और टार्जन को छोड़ देता है। अब टार्जन और जॉर्ज देखते हैं कि लियोन लगभग 1000 सैनिकों को यहां पर लेकर आ चुका है और भी कई हजारों सिपाहियों को लेकर आ रहा है। अब इतनी बड़ी सेना का मुकाबला तो हम कर नहीं सकते मुझे अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी कहकर टार्जन अपने साथियों को लेकर आ जाता है यानी सारे जंगली जानवरों को शेर से लेकर जंगली सांड तक हर तरह के जानवर सेना पर हमला बोल देते हैं और वो भी उस वक्त जब वो आराम कर रहे थे। टार्जन एक सांड पर बैठकर उस जगह पहुंच जाता है जहां जेन को बांध कर रखा हुआ है। वो सबसे लड़कर जेन को आखिर बचा लेता है। दूसरी ओर जॉर्ज एक मशीन गन से लियोन की बोट को डैमेज कर देता है। यहाँ टार्जन लियोन से भिड़ जाता है लेकिन वो अपनी माला टार्जन की गर्दन पर फंसा देता है। तब टार्जन कुछ आवाजें निकालता है जिससे वहां पर कई सारे मगरमच्छ आ जाते हैं। इसी बीच टार्जन किसी तरह उस माला को तोड़कर लियोन को पकड़कर पानी में कूद पड़ता है और वो मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। तभी वहां पर फाइनेंसर आता है जिसे लियोन ने डायमंड्स देने का वादा किया था और उन डायमंड्स के बदले में फाइनेंसर उसे 20,000 सैनिक देने वाला था लेकिन यहां की हालत देखकर वो जान बचाकर भाग जाता है और इस तरह टार्जन कबीले के लोगों और इस प्रदेश को भी बचा लेता है। यहाँ जॉर्ज प्राइम मिनिस्टर को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिनसे साफ जाहिर होता है कि बेल्जियम का राजा अफ्रीकन कांगो रीजन में कई लीगल काम करवा रहा था और अपने वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखता था वो। एक साल बाद दिखाते हैं कि टार्जन और जेन उस कबीले के साथ ही बस गए हैं और वहीं पर जेन को एक बच्चा भी होता है। आखिर में दिखाते हैं कि टार्जन अपने गोरिल्ला भाई और उसके साथियों के साथ जंगल में खेल रहा है और सारे जानवर बड़े खुश हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी स्टोरी अच्छी लगी हो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।